चलने के लिए उसने हमें पैर दिया मगर एहसान नहीं जताया। सोचने और सोचने के लिए अकलो दिमाग दिया मगर एहसान नहीं जताया। पकड़ने के लिए हाथ दिया मगर एहसान नहीं जताया। लेकिन जब हमारे बीच में अपने महबूबे पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मकबूल फरमाया तो इशारा फरमाया लगत मन नज़ाहु अलल मुमिनीन इस बात को भी रसूला कि बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हो मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने अपने महबूबे पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस कायनात में जलवागर फरमाया। हम पर ये उस कायनात का सबसे बड़ा एहसान है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए तो कुल जहान के लिए मगर कुर्बे खास है सिर्फ मोमिनों के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इशारा फरमाया इस बात का फीहिम रसूला यानी उनमें अपना रसूल भेजा। इस फरमान रहमान से साफ तौर पर जाहिर हो गया कि जो लोग ईमान रखते हैं वो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाज़िर जानते हैं और हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और हमारी जानों से भी ज्यादा हमसे करीब हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया वअलमु अन्न फीकुम रसूलुल्लाह और जान लो कि अल्लाह के रसूल हम में मौजूद है। मेरे अजीज साथियों, इसलिए हम और आप मदीने से दूर है मगर मदीने वाले आका हमसे दूर नहीं है, क्योंकि सैयदी सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया वो शर्फ के कटा है निस्बतें, वो शर्फ के कटा है निस्बतें, वो करम के सबसे करीब।